कालामाली की सुरतिया धर्मशाला में रविवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस किसान महापंचायत में जिला सिरसा सहित हल्का डबवाली, खंड ओडा, कालामाली के आसपास के गांवों से किसानों ने भाग लिया। किसान महापंचायत के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा से खास बातचीत। निरंतर जाती रही है किसानों में और आज भी वहाँ पंचायत में आ पाई है, किसानों की स्थिति को कैसे भांपती है इस वक्त, किसानों की स्थिति क्या है? किसानों की बदहाली कर दी है इस वर्तमान सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने, और दुख की बात यह है कि हरियाणा सरकार भी इसमें चुप बैठी है। बल्कि इनके मंत्री ऐसे गलत बयान देते हैं जिसमें कोई संवेदनशीलता नज़र नहीं आती, लोगों का दुख समझते नहीं। ऐसी बात करना आज के दिन जब लोग किसान अपने जान देते हैं और उनके बारे में अभद्र बातें कहना, ये कोई हमारे देश की प्रदेश की संस्कृति नहीं। अच्छा होता कि हरियाणा सरकार यहाँ के किसानों की, मजदूरों की बात को लेकर केंद्र सरकार के पास जाते और केंद्र सरकार से आग्रह करते कि ये तीनों काले कानून वापस करें। लेकिन दुख की बात ये है कि जो ऊपर है वही नीचे है। यहाँ पर आज हमारे राज्य में भी किसानों की बदहाली हो रही है और ये सरकार मूकदर्शक बनी बैठी। जी, बार बार सरकार कह रही है कि किसानों को भड़काया जा रहा है, ये जो आंदोलन है वो कांग्रेस पार्टी का है। मुझे ये बता दीजिए कि वो अपनी नाकामियों के पीछे कांग्रेस पार्टी को कैसे कह सकते हैं? जो आज के दिन ये परिस्थिति बनी है, ये कांग्रेस ने पैदा नहीं की, ये खुद सरकार ने पैदा की है। तीनों काले कानून लेकर आए, ना ये कानून लेकर आते और ना ये इस तरह की स्थिति बनती, ना किसान मजदूर मजबूर होते कि वो अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर आएं, सर्दी में बैठें, बारिश में बैठें, कितनों की जाने जाएं, कोई नहीं चाहता था। और कांग्रेस पार्टी जो लोगों की बात है उसको उठाना हमारा कर्तव्य है, हम उस बात को उठाते रहेंगे। देखिए, इस्तीफे की उनकी अपनी बात है, लेकिन इस्तीफे से क्या समाधान होगा ये तो लोगों का ध्यान बांटने की बात है। असली बात ये है कि इनकी लड़ाई, किसानों की लड़ाई लड़ी जाए, और वो सदन में भी लड़नी होती है और बाहर भी। लोग जब आपको जिता कर भेजते हैं तो आपसे बहुत उम्मीदें रखते हैं कि आपकी बात को उठाया जाएगा, तो वो बात उठानी चाहिए। ये नहीं कि उस बात से हटकर ध्यान बांटने की कोशिश हो। तो आज के दिन यही हो रहा है कि सभी लोग ध्यान बांटने की बात कर रहे हैं, असली मुद्दे पे आते नहीं हैं। जजपा की जहाँ तक बात है, जजपा तो इस सरकार का हिस्सा है। आज हम बार बार कहते हैं कि जजपा अपनी स्थिति स्पष्ट करे, वो किसानों के साथ है या सत्ता के साथ है। जैसे कि अभी आपने बोला कि जजपा स्थिति स्पष्ट करे, क्या लगता है हरियाणा में जजपा सरकार जो गठबंधन के साथ आई थी भाजपा की, कहीं ना कहीं गिर सकती है? देखिए, इनके जो चाहे भाजपा के MLA हैं, चाहे जजपा के हैं, बहुत से लोग या इंडिपेंडेंट हैं, बहुत से लोग अलग से बातें कर चुके हैं, कुछ लोग इस्तीफा दे रहे हैं अलग अलग पदों से, तो ये स्थिति उन्हें नज़र आ रही है कहीं ना कहीं कि असलियत ऐसी है जो उनके खिलाफ है। अब देखते हैं कितने समय तक वो रह पाते हैं ऐसी स्थिति में, क्योंकि लोग तो जवाब मांगेंगे। आज के दिन जो सरकार में जुड़े हुए लोग हैं वो लोगों के बीच जाने से डरते हैं, लोग उनसे पूछते हैं, तो ऐसी स्थिति, ऐसे सरकार कैसे चल सकती है? किसान जो है वो निरंतर 3 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूती के साथ किसान के साथ खड़ी है और ऐसा क्या करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की स्थिति स्पष्ट है, जो राहुल जी ने पहले ही स्पष्ट की थी। राहुल इससे पहले, सबसे पहले तो राहुल जी ने इन तीनों कानूनों का विरोध किया था, और हमारी कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही इनके खिलाफ स्टैंड लिया हुआ है, और अपनी राजनीतिक लड़ाई हमने छेड़ी हुई है। राहुल जी पंजाब आए थे, हरियाणा आए थे, ट्रैक्टर रैली की थी। कांग्रेस पार्टी ने तरह तरह से ज़मीन पर भी, सदन में भी ये लड़ाई लड़ी है, और हमारी ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी।
अगर आप हमारी यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल डवाल केसरी पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।